पश्चिम बंगाल की लड़ाई से दिल्ली में जबरदस्त सियासी तनाव। अभिषेक बैनर्जी और अन्य नेताओं को पुलिस ने 3 घंटे तक थाने में बिठाया। केंद्रीय मंत्री और टीएमसी नेताओं की मुलाकात नहीं हुई, इसी बात पर बवाल बढ़ा और टीएमसी के हमले हुए तेज। टीएमसी की महुआ मोहित्रा ने कहा कि मुझे हिरासत में लिया गया। सूर्यास्त के बाद महिला सांसदों को पुलिस लाइन में रखा। पुलिस ने अभिषेक बैनर्जी को भी पकड़ा। पार्टी नेता पुलिस के एक्शन का विरोध लगातार करते रहे। अभिषेक बैनर्जी के आरोपों के मुताबिक महिला सांसदों के साथ बदसलूकी की गई, सांसदों को घसीटा गया। कृषि भवन से थाने तक सियासी हलचल मची हुई। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि मैं चुनौती देकर जाता हूं कि जितना जोर लगा लो हम झुकेंगे नहीं, लड़ाई रुकेगी नहीं। और मैं इनको चुनौती देकर जाता हूं, आपकी जितनी ताकत है, सीने में जितना दम है लगा लो, जितना ताकत है आजमा लो, हम छुटेंगे नहीं और ये लड़ाई रुकेगी नहीं। दिल्ली में लड़ाई शुरू हुआ है और दिल्ली में ये लड़ाई खत्म होगा। सीएम ममता बनर्जी ने भी पुलिस एक्शन की कड़ी निंदा की। अब टीएमसी के छात्र विंग आज पूरे बंगाल में करेंगे प्रदर्शन। दिल्ली में टीएमसी सांसदों के साथ पुलिसिया कार्रवाई से समर्थक नाराज। विरोध में आसनसोल में समर्थकों ने जीटी रोड को जाम करके आगजनी की। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दिल्ली पहुंचे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार और राज्य के मामलों पर बैठक हुई। गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई। सूत्रों से पता चला कि अजित पवार हैं नाखुश। तेलंगाना में बीजेपी बनाम बीआरएस। प्रधानमंत्री मोदी की केसीआर पर एनडीए में शामिल होने वाले बयान पर अब गरमाई राजनीति। मामले पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया, जो मैंने कहा था वो मोदी ने खुलेआम कबूल कर लिया। ये मोदी के बयान पर केसीआर ने दिया जवाब, बीजेपी सबसे बड़ा झूठ और जुमला फैक्ट्री है। हावड़ा में मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा कि हमने विश्व को एक धर्म दिया, हम हिंदू समाज बनाएंगे। एक उसके पीछे दृढ़ संकल्प है, संपूर्ण विश्व को धर्म देने वाला भारत, वैभव संपन्न हिंदू राष्ट्र, संगठित हिंदू समाज खड़ा करेगा, ऐसा समाज हम खड़ा करेंगे। 5 अक्टूबर को दिल्ली में होनी है एनसीपी कार्यकारिणी की बैठक। बैठक की अगुवाई राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर करेंगे शरद पवार। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में आज लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव की दिल्ली में राव से मैंने कोर्ट में पेशी। 22 सितंबर को अदालत ने जारी किया था समन। वाराणसी में ज्ञान वापी मामले पर सुनवाई। व्यास तहखाने के ट्रांसफर को लेकर जिला जज अजय कृष्ण सुनाएंगे फैसला। स्वदेश फिल्म की एक्ट्रेस गायत्री जोशी और उनके पति की इटली में कार दुर्घटना का शिकार हुई। घटना की तस्वीरें आई सामने। थाने में 40 साल पुरानी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढही, वीडियो आया सामने।